हेलो एवरीवन, मैं हूं आलमगीर और आप देख रहे हैं आलम क्रिप्टो। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, इसलिए कि इस वीडियो के अंदर आपको पांच ऐसे कॉइन बतलाने वाला हूं जो कॉइन आपको 2022 के एंड तक या फिर 2023 के फर्स्ट क्वार्टर तक 10x तक का प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन आप इसको लॉन्ग करते हैं 2025 तक के लिए, 2030 तक के लिए, तो डेफिनेटली ये कॉइन आपको 100x तक का प्रॉफिट दे सकता है। ये सारे के सारे जो कॉइन हैं वो टॉप 50 के अंदर आते हैं, तो कोई ज़्यादा रिस्क भी नहीं है और कोई ज़्यादा डरने की बात भी नहीं है। लेकिन आप जानते हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, ये जो मार्केट है इसके अंदर आप अपने रिस्क के मुताबिक कैलकुलेट कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहती है, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें उलट पलट होती रहती हैं। इसलिए आप अपना रिसर्च ज़रूर किया करें, किसी की बात में आकर के, चाहे बड़ा यूट्यूबर हो चाहे छोटा यूट्यूबर हो, किसी की बात में आकर के अपना सारा का सारा पैसा झोंक ना दिया करें। बल्कि अगर आपका रिसर्च कहता है, आपका ज़मीर कहता है, आपका दिल कहता है, तभी आप इन्वेस्ट किया करें, वरना किसी की बात में ना आया करें। तो ये पांच कौन से कॉइन हैं जो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है 2025 तक, 2030 तक, उसके बारे में हम डिटेल से बातें करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक वॉच करें, ताकि सारी बातें, सारा प्रोसेस और सारा मेथड आपके समझ में आ सके और इस वीडियो का कोई भी एंगल और पार्ट आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉइन जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए 2025 तक या 2030 तक के लिए आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, आप इसको रख सकते हैं, उसका नाम है चैनलिंक। ठीक है, चैनलिंक ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैंने पहले भी बताया था इस कॉइन के बारे में कि इसकी जो पार्टनरशिप है वो बड़े बड़े ब्रांड के साथ है, बड़ी बड़ी टीम के साथ है और ये बहुत फ्यूचर है ये, और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी बड़ी है। अगर हम इसकी प्राइस देखेंगे डॉलर के अंदर तो 7.69 ये इसी करंट प्राइस चल रही है, और अगर देखेंगे 24 घंटे के अंदर तो 2.7% डीप के अंदर है ये। और अगर INR के अंदर इसकी प्राइस देखेंगे, यहाँ पर अगर INR हम सर्च करेंगे तो INR के अंदर इसकी प्राइस देखेंगे तो इसकी प्राइस देख सकते हैं कि कितनी है इसकी प्राइस, 609.94 रुपया इसी करंट प्राइस है। उसके अलावा रैंक देखेंगे 27 रैंक है, बाकी कैपिटल यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखें टोटल सप्लाई जो है 1 बिलियन है और 464 मिलियन ये इसका सर्कुलेट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 50% ये इसका जो सर्कुलेटिंग के अंदर आ चुका है। ऑल टाइम हाई के मुकाबले में 85.5% डिप के अंदर है और ऑल टाइम लो के मुकाबले 5000 से ज़्यादा प्रॉफिट दे चुका है ये। तो ये एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है, काफ़ी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट है, जहाँ भी जाएंगे इसका वॉल्यूम काफ़ी बढ़िया आपको दिखाई देगा। इसकी टीम के बारे में पढ़ सकते हैं, इसकी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, ट्विटर के ऊपर कितने फॉलोअर्स हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल से आप देख सकते हैं। अगर मैं सबको डिस्कस करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी और आप इससे बोर हो जाएंगे। दूसरा जो कॉइन है वो उसका नाम है एटम कॉइन यानी कॉस्मस हब, और इसकी करंट प्राइस देखेंगे डॉलर के अंदर तो 15.81 और अभी ये जो अब चल रहा है 3.3% ये अब चल रहा है। INR के अंदर इसकी प्राइस देखेंगे तो इसकी प्राइस जो है देख सकते हैं 1254.20 रुपया इसी करंट प्राइस चल रही है और इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। तकरीबन यहाँ पर देख सकते हैं 60 दिन के अंदर 76% का पंप किया है इसने। रैंक देखेंगे, मार्केट कैपिटल रैंक है 22, बढ़िया रैंक है और मार्केट कैपिटल यहाँ पर देख सकते हैं इसका। उसके अलावा नीचे आएंगे तो टोटल सप्लाई इसका अननोन है, लेकिन सिक्योरिटी सप्लाई इसका 292.6 मिलियन है। अपने ऑल टाइम हाई के मुकाबले में 65% डिप चल रहा है, डाउन के अंदर है, और ऑल टाइम लो के मुकाबले में 1238% अभी भी ये अप चल रहा है। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ पर लिस्ट है यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में, और हर जगह वॉल्यूम इसका बढ़िया आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप रिसर्च कर सकते हैं, डिटेल से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तीसरा जो कॉइन है उसका नाम है अवैक्स यानी अवालेंच कॉइन, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है और अभी भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जान प्राण बाकी है। इसी करंट प्राइस देखेंगे डॉलर के अंदर अवैक्स की तो 21.40 और 5.7% अभी यह चल रहा है, और अगर INR के अंदर इसकी प्राइस देखेंगे तो इसका यहाँ से अगर INR के अंदर देखेंगे इसकी प्राइस तो 1697.77 रुपया इसी करंट प्राइस है। 16 इसका रैंक है मार्केट कैपिटल, और मार्केट कैपिटल यहाँ पर देख सकते हैं इस कॉइन का। उसके अलावा टोटल सप्लाई देखेंगे तो 720 मिलियन इसका मैक्सिमम सप्लाई है, 410
इसका टोटल सप्लाई है और सिक्योरिटी सप्लाई इसका 295.7 मिलियन है, ठीक है। ऑल टाइम हाई के मुकाबले 85.5% अभी भी डिप के अंदर है और ऑल टाइम के लोगों के मुकाबले में 652% ये अभी अप चल रहा है। उसके अलावा ये कहाँ कहाँ पर लिस्ट है, अगर यहाँ पर आएंगे तो काफ़ी एक्सचेंजेस के ऊपर ये लिस्ट है जहाँ से आप आसानी के साथ देख सकते हैं और हर जगह वैल्यूम आपको इसका बढ़िया दिखाई देगा। और भी डिटेल्स इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा कॉइन था। चौथा जो कॉइन है ये भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है और इसका नाम है पॉलीगॉन यानी मैटिक कॉइन। इसका रैंक देखेंगे, मार्केट कैपिटल रैंक, इसका पहले प्राइस देखेंगे डॉलर के अंदर तो 0.936475 और 6.8% अभी अब चल रहा है। और अगर इंडियन रुपीज़ के अंदर इसकी प्राइस देखेंगे, इंडियन रुपीज़ के अंदर INR के अंदर देखेंगे इसकी प्राइस, तो INR में इसकी प्राइस देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 74.29 रुपया इसका प्राइस है और 14 इसका मार्केट कैपिटल रैंक है। यहाँ पर देख सकते हैं 14 मार्केट कैपिटल रैंक है, मार्केट कैपिटल यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका टोटल सप्लाई देखेंगे तो 10 बिलियन इसका टोटल सप्लाई मैक्सिमम सप्लाई है और 7.4 बिलियन ये सर्कुलेट हो चुका है। अपने ऑल टाइम हाई के मुकाबले में 68% अभी भी डिप के अंदर है और ऑल टाइम लो के मुकाबले में 29,515% ये अब चल रहा है। कहाँ कहाँ पर ये लिस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं और हर जगह वॉल्यूम इसका बढ़िया दिखाई देगा। आखिरी जो कॉइन है, पांचवा कॉइन जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, उसका नाम है ADA यानी कार्डानो। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट देने वाला है। ADA का करंट प्राइस देखेंगे डॉलर के अंदर तो 0.497902 और 1% अभी ये डिप के अंदर है। और इंडियन रुपीज़ के अंदर इसकी प्राइस देखेंगे, INR के अंदर इसकी प्राइस देखेंगे अगर, तो इंडियन रुपीज़ के अंदर इसकी प्राइस है 39.47 रुपया। रैंक इसका है 8 और मार्केट कैपिटल देखेंगे तो काफ़ी अभी यहाँ पर मार्केट कैपिटल देख सकते हैं इस कॉइन का। टोटल सप्लाई और मैक्सिमम सप्लाई देखेंगे, मैक्सिमम सप्लाई है 45 बिलियन और टोटल सप्लाई भी है उतना ही और 33.8 बिलियन सर्कुलेट हो चुका है। अपने ऑल टाइम हाई के मुकाबले में 83.9% अभी भी डिप के अंदर है और ऑल टाइम लो के मुकाबले में सिर्फ 2485% अब चल रहा है ये। इसके अलावा देखें कहाँ कहाँ पर लिस्ट है तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कहाँ कहाँ पर ये लिस्ट है और कहाँ कहाँ पर ये, और हर जगह वैल्यू में इसका बढ़िया दिखाई देगा। तो ये 5 ऐसे कॉइन हैं जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप 2025 देख रहे हैं, 2030 देख रहे हैं तो ये कॉइन आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। लेकिन रिसर्च बहुत ज़रूरी है, आप अपना रिसर्च कर सकते हैं, कितने से एंट्री कर सकते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तो आप अपने पोर्टफोलियो के तरफ से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरी राय माने तो आप $100 से को अपने सब कॉइन के अंदर $10 डाल सकते हैं या $20 डाल सकते हैं। और अगर आपके पास कम है, $20 है, तो आप $20 को हर कॉइन के अंदर अपना मैनेज कर सकते हैं। उसी तरीके से आपके पास $10 है तो $10 को भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो आपके सर एक यूज़फुल और इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते हैं। आप अपना रास्ता अपने कमेंट्स अपने ख्याल में ज़रूर आगाह करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।